नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बरेली में कांवड़ियों की सुविधाओं को लेकर करड़ी सेना ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। सभी जानते हैं कि 4 जुलाई से सावन माह का प्रारंभ होगा और इस माह में शिव भक्त कांवड़िए शिव का जलाभिषेक करने के लिए दूर दराज से जल लाकर शिवालयों पर चढ़ाते हैं। इन्हीं कांवड़ियों की सुविधाएं मुहैया कराने हेतु करड़ी सेना ने 9 सूत्रीय मांगों को जिलाधिकारी के समक्ष रखा है। करड़ी सेना की मांग है कि जिन रास्तों से कांवड़ियों का आगमन होता है उन मार्गों का रूट डाइवर्जन करके एक साइड मात्र कांवड़ियों के लिए छोड़ दी जाए। जिन मार्गों से कांवड़िए गुजरे वहां पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, विश्राम के लिए टेंटों, सड़क को गड्ढा मुक्त जैसे कि बंदायू रोड, पानी की टंकी, बिजली घर के निकट, कछला घाट मार्ग को जाने वाला रास्ता, वापस लौट के आने वाले रोड को गड्ढा मुक्त किया जाए। कांवड़ियों को आने जाने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अन्य जगह जगह मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाए। मांग यह भी है कि जिन मार्गों से कांवड़िए गुजरे वहां पर सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़े, इसके लिए उन मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि कोई शरारती तत्व मीट इत्यादि रोड पर डालकर बाधा उत्पन्न ना करे। साथ ही मांग किया गया कि पूरे मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाए। कोई भी ऐसे पोस्ट डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जो माहौल को खराब करती हो। इस मौके पर कड़ी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह, लक्ष्मी प्रकाश मौर्य, जिला अध्यक्ष किसान शक्ति सुमित सिंह, तहसील मंत्री अरुण सिंह, नगर अध्यक्ष ऋषभ सिंह, नगर उपाध्यक्ष मोहित सिंह, तहसील अध्यक्ष वीरेश सिंह, तहसील उपाध्यक्ष राजकुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए बरेली से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज करणी सेना बरेली द्वारा जिला अधिकारी बरेली को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन जो है 4 तारीख से सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बरेली को नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। बड़ी संख्या में शिव भक्त विभिन्न विभिन्न मार्गों से जल अभिषेक करने नाथ नगरी बरेली में आते हैं। करणी सेना ने जिला अधिकारी बरेली द्वारा 9 मांगों को रखा है। पहली मांग ये है कि सावन के पवित्र महीने में मीट मछली की दुकानें पूरी तरीके से बंद की जाएं। दूसरी मांग है हमारी कि जिन मार्गों से शिव भक्त आएंगे उन मार्गों को एक साइड बंद कर दिया जाए और एक साइड शिव भक्तों के लिए कर दी जाए। तीसरी मांग ये है कि जितने भी बरेली में शिवालय हैं उनकी साफ़ सफाई और जल का व्यवस्था, कि इस तरीके के शरारती तत्व हैं जो भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर देते हैं, पुलिस और शासन व प्रशासन उस पर निगरानी रखे ताकि हर अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस तरीके की बहुत सी हमारी ऐसी मांगें हैं जिनको लेकर हमने जिलाधिकारी बरेली के आगे रखा है और मैं आशा करता हूं कि इन मांगों पर जल्द हमारी सुनवाई होगी और इन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। ये रोडों पे गड्ढे हो रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बदायूं रोड मेन है। देखिए बदायूं रोड की जो हालत है वो खस्ता है, वो भी हमने कहा है कि उसका जो है तत्काल रूप से उस पर काम कराया जाए ताकि जो डाक कांवड़े हमारी आती हैं कछला से चलकर बरेली से और अन्य ज़िलों में भी जाती हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं शिव भक्त, तो उस रोड को तत्काल जो है दुरुस्त करा लिया जाए ताकि किसी भी शिव भक्त को कोई भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।